आज आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिस. साक्षरतेच्या मोहिमेत वाटो घेऊया सगळ्यांक. माझो सलाम आणि या दिवसाची तुमका सगळ्यांक पूर्वी. आयच्या दिवसाचे पहिले सत्र असा चिल्ड्रन्स रायटिंग द वे फॉरवर्ड. आणि उलोपी असात डॉक्टर सोनिका कौशिक, NCERTची सिनियर कन्सल्टंट, तसेच रिनाउंड इलस्ट्रेटर तापोशी घोषाल आणि बाल साहित्यिक डॉक्टर प्रकाश परेंकर. हा मागता रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष साईश पाडणीकर, तसेच कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य. आणि ह्या उलोप्यांक माझेर घेऊन येऊचे. सत्राक सुरू करचे पहिली वेळ आयला काय नव्या पुस्तकांचे विमोचन करपाचो. मागता ह्या पुस्तकांचे लेखिका तसेच लेखक रत्नमाला देवकर, माया खरंगटे, दिनेश मणेरकर, कविंद्र फळदेसाय आणि स्नेहा सबनीस आणि माचे येऊचे. आणि तुम्ही सगळ्यांनी एकदा त्यांना ताळ्यांनी येऊकार दिवचो. हांचे म्हाका दोतोर जावंक जाय. माया खरंगटे हांचे बच्चेंद्री पाल आणि काणी एका बाबुल्याची ही पुस्तकं. दिनेश मणेरकर हांचे रान सभाव. कविंद्र फळदेसाय हांचे भिकणा आणि स्नेहा सबनीस हांचे सानिया मिर्झा ही पुस्तकां आयज उजवाडाक येतात. मागता मानेस्ता लागी ताणी ह्या पुस्तकांचे ह्या वेळार विमोचन करचे. लेखकां परबी मानेस्तांचे उपकार. ही सगळी पुस्तकां भायर स्टॉलाचेर उपलब्ध असतात. इच्छुकांनी ती मुजरत घेऊची. देव बरे करू. हांव स्नेहा सबनीस हाच्या लागी सोपयता. देव बरे करू. सगळ्यांक जागतिक साक्षरताय दिसाची परबी. बाल साहित्य परिषदेच्या दुसऱ्या दिसा दोन सत्रां जातली. तशेंच तुमचे प्रस्न मानेस्ता कडेन मांडपाक एक खासा सत्र दवरला. पहिल्या सत्राचो आजचो विशय असा बाल साहित्य कशें आसचे. ह्या सत्राक आमकां तीन मानेस्त लावल्यात. डॉक्टर सोनिका कौशिक, डॉक्टर प्रकाश परियेकर आणि भोमानेस तापोशी घोषाल. तिनूय मानेस्तांची पहिली थोडक्यान ओळख करून दिता. डॉक्टर सोनिका कौशिक नवी दिल्लीच्या NCERT ह्या संस्थेन वरिष्ठ सल्लागार म्हणून फाटल्या सुमार 10 वर्सांच्यान काम करतात. भुरग्यां मदीं वाचन आणि लेखन संस्कृती रुजवूंक तांचो वावर असा. पाठ्यपुस्तकां निर्माण करपाच्या तशेंच पाठ्यपुस्तकांचो नियाळ करपाच्या वेगवेगळ्या समित्यांनी ती आसात. शिक्षकां खातीर सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यावळी ताणी घेतल्यात. दुसरे मानेस्त आसात डॉक्टर प्रकाश परियेकर. ते एक लेखक, कवी आणि कार्यकर्ते. ताणें भुरग्यां खातीर जायती पुस्तकां बरयल्यात. ताणें बरयल्ल्या निबंधांचो गोवा बोर्डाच्या कोंकणी पाठ्यपुस्तकांनी आस्पाव जाला. तांकां साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाला. सध्या ते गोंय विद्यापीठांत सहयोगी प्राध्यापक आणि कोंकणी विभागाचे मुखेली म्हणून काम करतात. आमचे तिसरे मानेस्त आसात भवानेस तापोशी घोषाल. एक रेखाचित्रकार आणि डिझायनर. कथा एकलव्य, प्रथम बुक्स, नॅशनल बुक ट्रस्ट, रूपा, पेंग्विन इंडिया, तक्षशिला ह्यासारखेल्या साबार NGO आणि प्रकाशन संस्थांनी ताणी काम केलात. सध्या त्यो रियाज अकॅडमी ऑफ इलस्ट्रेटर्स भोपाळ हातून फॅकल्टी असात. तिनूय मानेस्तांक येवकार. हांव कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हांच्या लागीं मागता ताणी तिनूय मानेस्तांक भेटवस्तू देऊन येवकार दिवचो. सगळ्यांत पयली डॉक्टर प्रकाश परियेकर. तशेंच तापोशी घोषाल आनी डॉक्टर सोनिका कौशिक.
आता हांव विनंती करता आयचे पयले मानेस्त डॉक्टर प्रकाश पर्येंकर हांचे कडेन तांणी बाल साहित्य कशें आसचें ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन करचें. मचेर उपस्थित ह्या सत्राच्यो दोगूय मानेस्त आनी म्हजे मुखार बशिल्ले लेखक वाचक मोठ्या संख्येन उपस्थित आसले शिक्षक आनी भुरग्यांच्या साहित्या संदर्भान जाणीव करपाक अनुभव घेवपाक आयिल्ले सगळे साहित्याचे मोगी. हांव तुमचे मुखार एक लेखक कोंकणीचो लेखक ह्या नदरेंतल्यान उबो रावला आनी त्या अनुशंगान आयज मेरेन बाल साहित्या संदर्भान म्हजो कितें अनुभव आसा कोंकणी लेखन करताना बायल साहित्याचे कितें अडचणी आमच्या मुखार उबी आसात आव्हानां कितें आसात आमची कर्तव्य कितें आसा लागणूक कितें आसा भाशे कडेन आनी साहित्या कडेन ह्या संदर्भातल्यो एक कांय गजाली तुमचे मुखार हांव मांडपाक सोदतां. म्हजे खातीर 20 मिनटां आसा. हे स्पर्धात्मक अशें युग आसा आनी अशा वेळाचेर लेखकां मुखार मोठीं आव्हानां आसात. एके वाटेन आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्यो न्हंयो दोंगर फातर घळी किडी म्हयो इतिहासीक स्थळां ह्या संदर्भान एक विद्यार्थ्यां मदीं वा वाचकां मदीं खूब उत्सुकता निर्माण जाल्ली आसा आनी दुसऱ्या अर्दान ज्यो आमचे कडेन आधुनीक गजाली आमच्या देशान वा हेर देशान आसा त्या विशींचें विकसीत तंत्रगिन्यानी जाणीव घेवपाक तंत्रगिन्यानाची जाणीव करून घेवपाक भुरगीं खूब उत्सुकता आसा आनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तें मेळटा म्हणटकच साहित्यातल्या माध्यमांनी तें मेळचें अशी एक अपेक्षा आमच्या वेगवेगळ्या गटांतल्या वाचकांची आसता विद्यार्थ्यांची. भुरग्यांक खूब फँटसी आवडटाच तांकां भव्य दिव्य अशें कितें तरी वेगळें जर आमी पुस्तकांतल्यान तांकां दिलें जाल्यार तें चड तांकां आवडटा आनी अपूर्व अशा गजालींत ती रस घेतात. तांकां एक वेगळें सपनांतलें अशें जग जाय आसता आनी त्या सपनांतल्या जगान ती भितर लिखतात आनी आपले पद्दतीन ते इमेजीन करतात. ह्या अनुशंगान आमचे कडेन भारतीय पद्दतीन जें आमी साहित्य तांकां दिलें व्हडलें ट्रेडिशन आसा आमचे कडेन दंय जंय आमकां देव देवचार भुतां राक्षस वा सुकण्याक सावदांच्यो काणयांतल्यान आमी भुरग्यांक प्रबोधन केलें आनी हें दिता आसतनात आतां एक आमचे मुखार प्रश्न उबो रावता कोंकणी लेखकां मुखार वा अन्य भारतीय भासांतल्या लेखकां मुखार की आमकां ही चौकट आतां मोडपाची आसा काय कितें. कांय जाण लेखकांनी आजून प्रयत्न केला आमच्या कोंकणी वा भारतीय भाशेचो प्रयत्न जाणीवपूर्वक जाता चौकट कसली म्हणपाची पारंपारीक चौकट जी आसा सुकण्या सादा पासून किड्या किडी मुया पासून वा राक्षस परी लोक परी कथा हेच्या पासून आमी एक चौकट म्हणपाक जाय काय कितें आनी एक विज्ञानीक दृश्टीकोन एक सायंटिफीक एप्रोच आमच्या साहित्यांतल्यान कसो दिश्टी पडटलो तो कसो येतलो ह्या नदरेंतल्यान आमी विचार करतात. आतां असो एक प्रश्न येता बरेंच पुस्तक खंयचें बरेंच साहित्य खंयचें म्हज्या वाचनान आयलें तशें एक घटमूट व्यक्ती चित्रप एक स्ट्रॉंग कॅरेक्टर्स वाचकांक जाय पडटा विविध गटांतल्या विद्यार्थ्यांक चड करून 5 ते 7-8 ह्या गटांतल्या भुरग्यांक वा 8 ते 9 गटांतल्या भुरग्यांक एक क्रेज आसता एक घटमूट अशें स्ट्रॉंग अशें कॅरेक्टर्स आनी बरें कथानक जर आसत जाल्यार साद्यो साद्यो गजाली तातूंतल्यान आमकां शिकपाक मेळटा म्हणून अशें म्हणटात की बरी कथानक जाल्यार ती स्टोरीज आमकां प्रीच करता आनी ह्या नदरेंतल्यान जर विचार जर केलो जाल्यार आमी पळयता की
स्ट्रॉंग कॅरेक्टरा संदर्भात आमच्या कडेन इंग्लिशीतल्यान सेंड्रल आयलें, टिंकल बेल आयलें, स्लिपिंग ब्युटी आयली, बेला, लिटल मामेड, स्नो व्हाईट, रपुंझा, एल्सा, स्पायडरमॅन, डोरेमॉन, मुखार वचून छोटा भीम, अशी स्ट्रॉंग अशी कॅरेक्टर्स आमकां चड करून सिरियलांनी पळोवपाक मेळटा, पुस्तकांनी ती आयिल्ली आसा. स्ट्रॉंग अशी कॅरेक्टर आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या कॅरेक्टरांनी जगाक घुरळ घातिल्ली आसा. हांव विचार करतालो ह्या संदर्भांत की अशी कॅरेक्टर्स व्यक्तिरेखा ज्यांच्यांनी निर्माण केल्यो ताका वास्तवत एक कल्पनीक जरी आसले ते वास्तव ताचे टच दिले ताका सत्यता रिगयली भितर आनी ते भुरग्यांक आवडले आनी तांच्यानी ते कॅरेक्टर्स माथ्यार घेतले. ताचो प्रचंड प्रभाव जो आसा आयज आमकां वेगळ्या माध्यमांतल्यान पळयता, चित्राच्या माध्यमांतल्यान, टिशर्ट्स शर्टांचेर आयले सगळे विचार एवरीथींग आतां आयज तुमी जर पळयत जाल्यार हाजो इतलो प्रभाव पडला की शिक्षणीक माध्यमांतली जितली इतली आमचे कडेन कांय गजाली आयल्यो कंपास धरून कितें कितें आयलें ताचेर ताजो इम्पॅक्ट पडिल्लो आसा. इट इज स्ट्रॉंग तें आयलें म्हणटकच ह्या नदरेंतल्यान हांव विचार करतालो की आमी कोंकणींतल्यान कसो विचार करूं येता आनी करपाक जाय आमच्या कोंकणी लेखकांनी, ल्हान भाशेंतल्या लेखकांनी. आनी हांव ह्या संदर्भांत विचार करताना अशें मनांत आयलें म्हज्या की एक कॅरेक्टर एक्सप्लोर करता आसतना की आमचे कडेन हांव विचार करतालो पाडिल्ली आसा, आमचे कडेन बुडयली आसा, आमचे कडेन भाडयली आसा माथ्यार घेवन वजी वचपी वो आमचे कडेन आपणकार आसा दर्याच्या हाचेर खेळपी नाचपी म्हणजे दर्याचे आव्हान स्विकारपी अशे आमचे आपणकार आसात वो नुस्तेकार आसात. प्रचंड अशे संघर्श त्यांच्या जिवनात आयिल्लो आसा पळोवप हांवें कितलेशेच किलोमिटर भितर वचून ते हे सगळे कसरती करतात. पाडेली माडार चडटा, झाडेली आसा झाडां चडटा. आमचे कडेन गोवन कल्चरांत एक बऱ्यातच सुपरमॅन सारखो जाय सारखो आमचे कडेन मोटरसायकल पायलट आसा. तेची विविध अशी जीवन आसा, संघर्श तेच्या जिवनांत खंयच्यानय तूं मोटरसायकल काडटा लांबच्या हातूंतल्यान अशे तरेचे एक कॅरेक्टर्स आमच्या मातयेंतले आमच्या कल्चरांत वाडिल्ले जे आनी खंय आसचे ना. मोटरसायकल पायलट पण ठीक ह्या कोस्टल एरियान म्हाका दिसना की आपणकार आनी हे सगळे पाडिले बिडयली आमचेच कडेन आसले, बुडयली आमचेच कडेन आसलो बरो ड्राय मारपी भितर. तांचें जीवन जें आसा हें आमी ह्या कोस्टल एरियांतल्या लेखकांनी आमी तें बऱ्या पद्दतीन मांडूंक शकता कितें. आनी पायलट सारको एक कॅरेक्टर विविध आंगांतल्यान, विविध रुपांतल्यान, विविध आयामांतल्यान ताची सुख दुख्खां सयत संघर्शा सयत असो आमी आमच्या विद्यार्थ्यां वाचकां कडेन आमी तो पावोवंक शकता कितें. म्हणजे हो एक कॅरेक्टरा संदर्भात एक विचार असो आमी वेगळे हटके एक विचार करपाची वेळ म्हाका दिसता आमचे कडेन आयिल्लो आसा जेणे करून कांय इंग्लिशींतली तुमकां कॅरेक्टर्स सांगले वा कांय आमच्या भारतीय भासांनी तेलांनी रामा सारको ते कॅरेक्टर आसा अशे कितले वेगवेगळे कॅरेक्टरां ते भुरग्याचे समाज मना मेरेन पाविल्ले, भुरग्याच्या काळजा मेरेन पाविल्ले आसा असो एक आव्हान आमचे कडेन आसा. ताका लागून अनएक्सप्लोर असो सब्जेक्ट आमी हँडल करपाक जाय जे केन्नाच टच करूंक ना. आतां आमी राना संदर्भांत खूब वाचतात बरयतात आनी एक एकदां आमकां दिसता की गोंयाच्या संदर्भांत विचार करता की आमच्यो माड माडयो दर्यावेळ शेतां वाटां इतलेंच सैम गांव असो आमकां दिसता एक एक फावट. पूण हांव केन्ना असो विचार मांडटा अशें दिसता की दीस ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग आर मॅन मेड. माडो लावनूच जाता चड वाडयता आमी कुळागरी लावनूच आमी तें तयार करतात. भात शेती आमकां मुद्दम लावची पडटा हेचो ताचें जीव वचचो पडटा. ताचे भायर नॅचरल कांय गजाली खूब आसा आमचे कडेन आनी गोंयांत तर प्रचंड आसा, ह्या कोस्टल एरियेंत तर प्रचंड आसा, ह्या सह्याद्री रिजनांत तर प्रचंड आसा जाचे मेरेन आयज पावना. जी जिवाळो आसा, जीवसंपद आसा आनी वनस्पत संपद जी आसा हांव असो कॅटेगरी करतालो. कारण हांव जेन्ना प्रवास करता म्हजे सत्तरीन वचना न्ही हांव माशेल मेरेन पळयता एके तरेची वेजिटेशन्स, म्हणजे मुखार साखळे मेरेन गेलो आनी एके तरेचे वेजिटेशन्स. म्हणजे माशेल मेरेन जी झाडां मेळटा ती फुडें म्हाका मेळना खारफुटी आनी बाकीच्यो गजाली फुडें आनी मातश्यो वेगळे तरेचे वेजिटेशन्स.
ताज्या मुखार म्हणजे म्हजे घरा मेरेन गेलो जाल्यार एकले तरेचे ते कॉमन ट्रीज ज्यो आमकां मेळटा ज्यो सायलो आनी सायलो लावचो पडटा किनळ म्हण अशें जांबो आनी अशे तरेची कितलीशी मारवटमी अशे तरेची कॉमन झाडां आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तुमी जर तेज्या मुखार एक दोन तीन वरां चलोवन गेले एक्चुअली कर्नाटक बॉर्डरचेर एक 4-5 किलोमिटर आयलंड जर गेल्यार तुमकां वेगळीच पद्दतीची झाडां मेळटा उंच उंच झाडां म्हणजे म्हज्या वेंगेन मावचीं अशीं दोन दोन अशीं अशीं चार चार जाणांनी तांकां वेंग मारचें पडलें अशी तरेचीं झाडां काळंगिणीचें झाड म्हण प्रचंड उंच गेल्लें आसता काळेकडेच आसता तें म्हणून हें एक्सप्लोर करपाक आमी शकले ना इवन हांव शकलो ना अशें त्या वाठाराचो आसून म्हणून आमकां एक जाणीवपूर्वक जर अशे प्रयत्न जर केले झाडांची वळख वायल्ड ट्रीज जी आमी पळोवंक ना जी पळोवंक शकनाय भुरगीं वचून थंय कारण एक एक वराची वाट तेंच चलची पडटा तशेंच कितलीशींच सुकणीं सावदां आसा ती आमकां यादान मेळत ना कुरंग सारके हें आसा पिसय आसा शेकरो आसा अशी कितलीशीच अशी ह्यो जी आसा म्हणजे जनावरां जी आसा साळ जर साळ आसा अशी प्रचंड अशी शिंगाडी आसा म्हणजे जी वाघ बिबटो वाघ तरी हातूंत येता मागीर दाणिया वाघ आसा भितर 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 वचून आमकां जी मोठ्या प्रमाणान जनावरां उपलब्ध आसा त्या संदर्भातली माहिती इकडे बाकी वाट्यान म्हणजे आमच्या नदरेंतल्यान आमच्या एप्रोचांतल्यान ह्या वातावरणांतल्यान जी आमकां ही सगळी दिसता ताचेरय आमी थोडोसो विचार हांगा जावन जावो काल हांगसर एक सुंदर निमाणे वेळार नुस्त्याच्या संदर्भान एक नाट्यछटा सादर केली आनी हांव विचार करपाक लागलो की आमी कोस्टल एरियेन आसा आनी प्रचंड म्हाका दिसता म्हज्या म्हादय काळजांतल्यान कागदार जे स्वीट वॉटराची उदकान म्हणजे गोड्या उदकान आशिल्ली जी सादारण हांवें ताजे 50 पानांचो लेखत बरयला आनी तांचे हालचाली इच एन एवरीथींग तातूंत ट्रॅडिशनल पद्दतीन नुस्तें धरपाचें आनी खंय खंय रावता त्या संदर्भान बरयल्लें आसा आनी म्हाका खूब काल आवडलें की ज्या पद्दतीन एक 7-8 नांवां उल्लेख जालो म्हणजे आमचे कडेन रावस धर मागीर तामसो ह्या संदर्भांतलो काल उल्लेख जालो ह्या सगळ्यांची नयना हडकराची ते मूळ काणी आसा ताच्या आदारात तें आशिल्लें हांव विचार करपाक लागलो की फक्त नुस्त्याक केंद्रस्थानार दवरप आमचे ती पोंग म्हण आसा तुमकां अजाप दिसतले पोंग जे पोंग म्हण तुमी आयकूच नासतले खडस म्हण एक दोन प्रकार आसा म्हणजे खडस आनी पोंग म्हण मरल आसा जो चिखल्या भशेन दिसता तो असो आसा आमचे कडेन म्हणजे ही दोन जी नुस्तीं आसा तुमकां अजाप दिसतले आमच्या 70 म्हणजे 70 भागान न्हंयच्या हेतून पात्रान पोयो वजर म्हण एक सगळ्यांत व्हडलो वॉटरफॉल आसा केदो व्हडलो आसता तुमकां खबर आसा सादारण एक उंच ते 2-3 माळ उंच एक सादारण धर एक 25-30 मिटर उंच अशें एक तो हें आसा कडो आसा तुमकां नुस्तें कशें चडटा खबर आसा हें जें बारीक नुस्तें आसा रे अशें चिकटून चडटा 2-3 मिटर वयर सॉरी 20-25 मिटर वयर नुस्तें चिकटून चलता मोळयो म्हणटा तो जो नुस्तें जें आसा तें तशेंच चिकटून वयर चलता ते क्लायम अशें दिसता की हें तें मोठें नुस्तें बारीक नुस्तें मोठी जी नुस्तें आसा ती चिकटून चलता तेजेर वॉटरफॉलाचेर इतलो घसघस्त आसतना लेगीत हें अजाप आमचे कडेन आसा हें बारीकशें निरीक्षण जर आमी जर नुस्त्या संदर्भान केलें पूण हांव चिंत्तालो ह्या संदर्भांतली जगान कितलीशींच पुस्तकां आसा आनी पळयलें की नुस्त्याच्या संदर्भान नुस्त्याच्या जगांतलें म्हणजे जें ओशनान जे पद्दतीन नुस्तें रावतात आनी तेंचे भितरलें जीवन जें आसा द वेरी हंग्री फीश एरिक क्लारजे द रेनबो फीश द ग्रॅणमॅदर फीश बीग फीश लिटल फीश हीं सगळीं पुस्तकाचीं नांवां सांगता तुमकां फीश आयज गूड नायट फीश विश ऑर फीश गोल्ड फीश ऑन वेकेशन रिमेंबरींग ब्लू फीश अशे तरेची म्हाका दिसता म्हाजे कडेन पळयलें की सादारण एक 25-30 हेजी पुस्तकाची ओनली ऑन फीश म्हणजे भुरगेपणान हांव पळयतालो एक नुस्तें भांगराचें नुस्तें ताका आमी पटफुगो म्हणटाले तुमी कितें म्हणटा खबर ना तो नुस्तें चकचकता तो कळ्ळें तेज्या आंगार गोल्डन स्पॉट आसा म्हाका रिबंदर ह्या फाटल्या म्हयन्यान तो मेळ्ळो रिबंदर सो तो भायर काडटकच तो पटफुल्ल येता म्हणटा पट फोगता आमी ताका भुरगेपणान पांय मारून ठो करून फोडटाले ताजे आतां काकूट दिसता म्हाका तेदें म्हणटा फीश आसतालो तो हें फीश
कहीं अभी नुस्ती आसा कि पावसान सकल देवता खी देवता मांडवी पत्र देवता खी नुस्ती आम नुस्ती म्हादयत नुस्ती गोड़ेपणत नुस्ती अप टू पणजे वाठारान सगले तातिया लगन पिले कड़ी परत ती वर वेत अं नुस्ती पाटा हम विचार करपा लगे कि कैन वी हेव दिस टाइप ऑफ अशे तरेचे विषय आम एक्सप्लोर करूं शकता आमच्या साहित्यांत आणि आमच्याकडे कितले रिसोर्स पर्सन आसा कितल्याकडे जाणीव आसा आम्ही पळतात नुसते नुसत्याकार आसा रापणकार आसा आमच्याकडे मानसिकार आसात नुसत्याची सायकोलॉजी खबर आशिल्ले खबर आसा अमक्याच वेळार अमकेच कडे नुसते असलेच मेळटा हे सगळे जागे बिगे लोकेशन्स आमकां खबर आसात ह्या नदरेंतल्यान जर आमी जर कोंकणी साहित्यीक वो एकंदर या कोस्टल एरियेतल्या हातूंतल्यान जर आमी जर असे विषय जर मांडले जाल्यार खूप बरें दिसतले अशें म्हाका दिसता दुसरो एक विचार म्हाका मांडपाक जाय तो म्हळ्यार खंयचेंय पुस्तक जेन्ना आमी बरयतात एक सांधीक वाप खूब गजाली एकी कडेन येवन तें करचें पडटा म्हाका थोडीशी कमतरता दिसता बरें पुस्तक वा बरें लेखन करता आसतना दितले जाल्यार विद्यार्थ्यांक आमचे कडेन एक पद्दत आसा आनी ती आमी मानपाक जाय वा तेंचे तेका आमी तेच्या संदर्भान हे सत्य कटू सत्य आसा तें मानून घेवपाक जाय हांगा एक प्रकार असो घडटा की साहित्यीक बाल साहित्यीक काणी बरयता बाल साहित्यीक नाटकुले बरयता बाल साहित्यीक एक नॉवेल बरयता आणि ते प्रूफ रिडींग तोच करता चित्रां आपल्या लागींच्या कोणाकडे मनशाकडे काढून देता वा तो एक पब्लिशर असला तोच करता आणि आमच्या हातून जर पळयले जाल्यार कोंकणीन मॅक्झिमम जे हे आसात रायटर ते इट्सेल्फ पब्लिशर्स अशे तरेन ती पुस्तकां काडटात पळय आतां ट्रेंड्स मातसो वेगळो जावपाक लागला ती बरी बरी गजाल म्हणटकच बरयतकच आमचे कडेन एक हे आसा गूण आसा गूण अवगूण तो की वी डोंट रिरायट आमी तो रिरायट करिनात परत असे लेखक आसात हा आनी स्टेजी वयल्यान सांगपी लेखक कोंकणीन आसा एक हाती म्हणटा ते आपण एक पाटी म्हणटा ते आमी एक पाटी म्हणटा एक हाती एक लेखक आसा की तो म्हणटा आपण परत 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 कित्याक बरोवपाक जाय सो लिओर टॉलस्टॉय आपले वॉर एंड पीस अकरा पावटी बरयता येदें व्हडलें पुस्तक आमकां एक सादारण कमीत कितें 32 पानांचें पुस्तक 40 पानांचें पुस्तक अकरा तरी 22 पावट कितें रिरायट करचें न्ही करनात आमी एक पट दुसरी गजाल जी इंग्लीश भाशेन वा अन्य इंटरनॅशनल भाशांनी पुस्तक काडून दिता एडिटर म्हणून मिडलमॅन आसता तो एडिट करता पुस्तक जे ना जायनाका तें काडटा तो भुरग्यांच्या मानसिकतायेक धरून जर तें पुस्तक ना वा अनवॉन्टेड थिंग्स जर भितर आयिल्ले आसा चुकीच्यो गजाली थंय भितर आसल्या चुकीची वाक्यां जर भितर आयिल्ली आसा चड जोडाक्षरां जर भितर आयिल्ली आसा वर्ब्स एडवर्ब्स जर प्रचंड मोठ्या प्रमाणांत आसा ल्हान ल्हान वाक्यां जर बांदावळ तातूंत ना तो बशिल्लो आसा थंय तो करता हें सगळें ही सिस्टम आमी म्हाका दिसता डॅवलप करपाक जाय घडये कांय लेखक करता आसपाक जाय वा एका संपादकीय मंडळा कडेन तें पुस्तक वता अशे तरेची एक सिस्टम जर आमचे कडेन डॅवलप जाली कोंकणीच्या बाबतींत म्हणटा बाकी मराठीने जाता आतां कारण पुस्तकाचे क्रेडिट पेज पळयतकच कळटा संपादक आसा ताका इलुस्ट्रेटर सगळे आसात ते लोक एक टीम म्हणून काम करतात म्हणून हांव म्हणटा कितें की लेखक हो म्हणून तें हेजें पुस्तक एकट्याचें आसना एक्चुली पुस्तक एकट्याचें आसच ना लेखक हो जरी मेजर घटक जरी आसलो चित्रकार तितलोच म्हत्व आसा मुखपृश्ठकार तितलोच म्हत्वाचो आसता प्रिंटर तितलोच म्हत्वाचो आसता वा डिस्ट्रिब्युटर तितलोच म्हत्व आसा आनी निमाणे कडेन पुस्तक वाचपी वा बाकीचे घटक जे आसा तितलेच म्हत्वाचे आसता ह्या नदरेंतल्यान आमी जर विचार केलो जाल्यार ही अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता बरें पुस्तक आमी दिवपाक शकता आनी आमी सदांच आमी एक एकट्याक नेग्लेक्ट केला आनी तो आतां म्हाका दिसता ह्या नव्या पुस्तकांनी तो भितर येता प्रोफेशनली भितर येता इलुस्ट्रेटर आनी आमची एक मानेस्तना म्हाका दिसता चड उलयतली त्या संदर्भान चड हें दितली म्हणजे त्या जर नदरेंतल्यान पळयलें जाल्यार एक मायंड एक्सपांडींग इलुस्ट्रेशन्स जे आसा ते वर्ल्ड कोंकणी सेंटरांनी करपाक लागला ताची त्या रेखा चित्रकाराची म्हजी वळख जाली मँगलोर आसतना की बऱ्यांतलो बरो इलुस्ट्रेटर केरळांतल्यान मुद्दम येता मँगलोर आनी ते सगळें करून दिता आनी ताची पुस्तकां तशी तरेची आसा हांव थांबता म्हणटकच ह्या नदरेंतल्यान जर आमी जर ह्या नदरेंतल्यान आमी जर
विचार जर केलो जाल्यार जें ज्या पद्दतीन पुस्तक वचपाक जाय तें भुरग्यां मेरेन पावतलें. आनी एक गोंदळ आमचे मदीं आसा, कळ्ळें, एक गोंदळ असो आसा की कोणा खातीर पुस्तक आमी बरयता हाचें एक एकदां आमकां भान आसना. ना म्हणिल्लें जें कांय कोंकणी पुस्तक वाचतना आमकां कळटा, म्हणजे सादारण एज ग्रूप ज्यो कोणा खातीर बरयता, एक वर्स ते पांच वर्सांच्या भुरग्यां खातीर, स वर्सां ते आठ वर्सांच्या भुरग्यां खातीर, णव ते इकरा वर्सांच्या भुरग्यां खातीर, काय बारा ते चवदा वर्सांच्या भुरग्यां खातीर, खंय हांव खंय पडटा हांव. म्हणजे झिरो ते म्हणजे एक ते पांच आसा थंय हेंच आसचें ना, म्हणजे इलुस्ट्रेशन जर आसतलें, घडये चित्रांत आसतलीं सगळ्याचे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पुस्तक आसतलें अशे पद्दतीन. वा आनी गट करूं येता, शिशू गट एक ते पांच तुमकां सांगलो, स ते बारा बालगट, किशोर गट, प्रौढ गट, ह्या नदरेंतल्यान आमकां एकदां दिसता की एक म्हाका अशें लायक चार पानां वाचता कडेन कोणाक बरयलां, हें शिशू गटाक बरयलां कितें अशें दिसता. आनी मागीर अशें फुडें वतकच हें बालगटाक कितें, कारण एंड करतकच तें प्रौढ गटा खातीर, किशोर वया खातीर कितें सांगता कितें, कारण तशीच तशी भास बदलता, तशी तशी इलुस्ट्रेशन बदलपाक जाय. म्हणजे ज्या गटा खातीर आसा ही चर्चा, हें पुस्तक म्हज्या अमक्या गटा खातीर आसा, त्या नदरेंतल्यान संपादकाक घेवन, त्या नदरेंतल्यान प्रकाशकाक घेवन, त्या नदरेंतल्यान चित्रकाराक घेवन बसून जाणकार कितें म्हणटा की इलुस्ट्रेशन काडटना एक तर स्वता काडटा, हांवें पळयल्या कोंकणीन स्वता काडिल्लें जाल्यार रामनाथ गावडे स्वता काडटा सगळें. दुसरी पद्दत एक आसा की दोगूय बसून काडटात, लेखक आनी इलुस्ट्रेटर बसून काडटा. आनी तिसरी पद्दत आसा की तो पूर्ण ते इलुस्ट्रेटरा कडेन दिता आनी ते चित्र काडटा. ही एक गोंदळ म्हाका दिसता आमचे कडेन जाला, आनी हाची जाणीव हळूहळू आमचे कडेन लेखका कडेन कोंकणीचेर येवपाक लागली, ही बरी गजाल आसा. कारण हालींच चंपू पंड इन द किचन रांदचीकूड, चंपू इन द रांदचीकूड पुस्तक पळयतालो, मुखपृश्ट एकट्यान घालना भितरली चित्रां रिया रिया सिया सिया पंडितान काडिल्लें पळयतालो. म्हणजे आयज हें जाता आनी आनी जाणीवपूर्वक जावपाक, म्हणून हांव सुरवातेक म्हणिल्लें की कोंकणी लेखक फक्त पुस्तक दिना, भाशेची उदरगत करता, साहित्याक कोंकणी साहित्यान जाणीवपूर्वक भर घालची म्हणून आमचे कडेन जबाबदारी व्हडली आसा. एड एज कंपेर्ड टू अदर इंडियन लिटरेचर, एज कंपेर्ड टू अदर बाकीच्या लेखकाच्या नदरेंतल्यान हें जाणीवपूर्वक जावपाक जाय. आनी सोपयतासतना हांव इतलेंच म्हणन की आतां पाश्चात्य देशांत चिल्ड्रन्स लिटरेचर असोसिएशन फॉर रिसर्च हें ऑस्ट्रेलियान बी आसा, कळ्ळें न्ही. मागीर कॅनडा, युनायटेड स्टेट, फ्रांस सारक्या देशांनी चिल्ड्रन लिटरेचर असोसिएशन कॉन्फरन्सीस जातात, जी हांगा अशी भरता तशी, फक्त उलयना ती चर्चा डिस्कशन ताजेर जाल्लें पळोवंक मेळटा. हांव असो विचार करतालो आनी ते परत एकदां हांव तुमचे कडेन मागता की कॅन वी हॅव सच टायप ऑफ रिसर्च सेंटर फक्त भुरग्यां खातीर. हांव म्हणटालें की चिल्ड्रन्स लिटरेचर एकेडमी कित्याक ना आमचे कडेन, फक्त फक्त भुरग्यांच्या साहित्याचेर चर्चा करपी. केरळान अशी तरेची एक सिस्टम आसा, हांवें पळयली ऑनलायन, कारण तांचे कडेन अशी एकेडमी आसा आनी ती सगळे तरेची पुस्तकां जी भुरग्यांक जाय, वेगवेगळ्या गटांतल्यान जाय, चार गट जे मुखेल सांगिल्ले त्याच्या गटांक जाय, ते बसतात थंय चर्चा करतात, डिस्कशन करतात, मागीर पुस्तक काडटात. ही जर पद्दत गोंया सारक्या ल्हान राज्यांत जर जाली, सरकारान ह्या संदर्भांत विचार जर केलो जाल्यार वा आमचे जे ज्यो संस्था मुखेल हाजेर संस्था कोंकणी भाशा मंडळ वा आनी बाकीच्यो संस्था ज्यो आसात थंय जर ही सिस्टम तयार केली भुरग्यांच्या साहित्याचेर अशे तरेचे संशोधन करून वा लेखकांक आपोवन हाडून आमंत्रीत करून पुस्तक बरोवन घेवन ताजेर चर्चा करून डिस्कशन करून जें एका एक दोन म्हयन्यांनी पुस्तक भायर काडटा तें एटलिस्ट दोन तीन म्हयन्यांनी पुस्तक भायर काडून पुस्तक तयार जातकच डमी आमी डमी आमी करिनात तो पुस्तक डमी पुस्तक करपाकच वचना आमी पुस्तक कशें दिसतलें पळयत ना आमी. म्हाका एक लेखक म्हणपाक लागलो म्हाका कितें आसा तो करतलो तें सगळें म्हणून तें कितें संजयना प्रकाशन करता म्हाका कितें पडटा तें कोंकणी कोंकणी भाशा मंडळ करतलें म्हाका कितें पडलें त्या वेळार हांव हांगा बसतलो आनी पुस्तक पळयतलो म्हणून अशें जायना आनी जावंक फावना अशें म्हाका दिसता. ही हांव प्रॅक्टीस हांव करता कारण आतां म्हजें एक पुस्तक जाल्यार हांव दोन कवर चित्रां काडून पळयलीं तिसरें आतां काडटलो हांव तातूंत कितें चेंजीस आसा टायटला संदर्भान आनी कितें संदर्भान चित्र कशें आसा वयर वचूंक जाय सकयल वचूंक जाय खड खड कटा पळोवंक जाय ताका कितें आसा दुसरें काडूंक जाय कितें आमच्या एकामेकांक दुसरें काडून घेतलें म्हाका हें नाका दुसरें दी काडून तिसरें काडून दी पुस्तक ताचे खातीर आमची तयारी जाय कारण आमी डेट ठरोवन आमी पुस्तकां प्रकाशीत करपाक सोदता.
हो थोडासा माझे विचार वेळ झालेला असा 5 मिनिटात चढ घेतला सॉरी मग मागील चर्चेतल्या काय जर असे प्रश्न जर आले झाले निश्चितच त्याच्यावर आम्ही चर्चा करूया ही थोडी आव्हानं ही थोडी लागणूक ही थोडी आमची कर्तव्य आमच्या मुखार असं आव्हानं आमच्या मुखार असं आणि ते समजून थांबतं आणि बालसाहित्य परिषद जी सातत्यानं भरता पूर्वसानुन वैसा रवींद्र भवन रवींद्र भवन मडगाव ही इनिशिएटिव्ह घेता खूप तुस्तकण्यासारखं ही गजाल आणि हा एकच संस्थेक मुद्दा म्हणून जर परबे भेटता जी कोकणी भाषा मंडळ त्याचे पेटवूलसारखं कार्यक्रम सुंदर असा आणि ऑडिओ आणि मध्येच तर आता ऑडिओ व्हिज्युअल संदला साहेबाब साहेबाब हे अशा तरेचे आम्ही ऑडिओ व्हिज्युअलही करपाक सोदता म्हणून आणि बऱ्यातली बरी पुस्तकं आमच्या विद्यार्थ्या खातीर वाचका खातीर तयार जातात ही खूप सुखद आणि बरी गजल इथलं सामान धन्यवाद देतो मग देव बरे करू प्रकाश बाप Now I request our next speaker, renowned illustrator, respected Taposhi Ghoshal, to share her views on ideal children's literature. सबसे पहले मैं कोंकणी भाषा मंडल के अध्यक्ष चेतन जी और इस मंडल के सभी सदस्यों को तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए और धन्यवाद भी करती हूँ और रविंद्र भवन के अध्यक्ष श्री प्रशांत जी को भी अभिनंदन करती हूँ और साथ में शुक्रिया भी करती हूँ धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे आमंत्रण करने के लिए आप लोग पिछले कई दिनों से इस बाल साहित्य के बारे में हम लोग सब सुन रहे हैं बोल रहे हैं बाल साहित्य के साथ चित्र जिसको हम चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशन कहते हैं चित्र बहुत अहम तरह से जुड़ी हुई होती है हम सब जानते हैं कि चित्र के बिना पुस्तकें बच्चों के लिए काफ़ी अधूरी रह जाती है यदि आप सोचिए कि सिर्फ सिर्फ शब्द 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 हो तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि उसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे ज़रूर पढ़ेंगे मगर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जैसे राजेश जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम मनुष्य का दो फैकल्टी होती है कुछ हम लोग शब्द को याद रखते हैं और कुछ हम चित्र को इमेजेस के साथ जल्दी रिएक्ट करते हैं वो याद रहता है और उससे हम सीखते हैं तो इसलिए चित्र का होना बच्चों की पुस्तक में एक अहम भूमिका निभाती है अब बात आती है कि चित्र कैसी होनी चाहिए तो हम लोग काफ़ी हमारी जर्नी जो है वो काफ़ी लंबे समय से तय करके आए हैं पहले किताबों में चित्र आने लगी और सिर्फ बस एक ही रंग हुआ करता था या तो काला या उसको कोई भी रंग एक रंग से दिया जाता था काले के साथ कोई रंग तो जिसको हम बोलते हैं डबल कलर यूज़ तो उसके बाद धीरे धीरे हम दो से तीन रंग तीन से अब चार रंग मतलब बहुत मल्टी कलर हम यूज़ करते हैं मगर मुझे ये लगता है कि चित्रों में मल्टी कलर यूज़ करना और उसको कलरफुल बना देना ही वहीं तक ही काम नहीं है इलस्ट्रेटर का और सिर्फ चित्र में जो शब्दों में कहा है वही उसी को ही इलस्ट्रेट कर देना उसी की छवि बना देना ही काफ़ी नहीं है अब इलस्ट्रेटर की एक चित्रकार की जिम्मेदारी और बढ़ती है उसको सिर्फ टेक्स्ट जो कहती है वही सीमित नहीं रहना चाहिए उसको उसके आगे और कुछ जोड़ के देना चाहिए ये जिम्मेदारी एक इलस्ट्रेटर की होती है अभी भी पूरी तरह से ये जिम्मेदारी मैं देखती हूँ कई जगह पे निभाई नहीं जाती है और कई जगह पे बहुत अच्छे तरह से इसको निभाई जा रही है हमारे देश में आर्ट एजुकेशन की ऐसे भी बहुत दशा उसकी बहुत अच्छी नहीं है
मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये जहाँ से हमारी स्कूल में आर्ट सिखाई जाती है, आर्ट एजुकेशन दी जाती है, वहाँ से ही इसका किस्सा शुरू होता है। एक बच्चे की इमेज को, जैसे हम शब्द को पढ़ते हैं वैसे हमको इमेज को भी पढ़ना सीखना चाहिए और उसकी आनंद लेना चाहिए। ये चीज़ें हम कम इस्तेमाल में लाते हैं, हम सिर्फ उसका एक रोल कि वहाँ एक साइड में होना चाहिए यहाँ तक ही उसको देखते हैं। मगर आर्ट एजुकेशन की जिम्मेदारी सिर्फ इलस्ट्रेटर की नहीं होती है, आर्ट एजुकेशन की जिम्मेदारी एक माता पिता, पेरेंट्स और स्कूल की शिक्षकों के ऊपर भी बहुत निर्भर करती है। मेरे साथ ही, जैसे मैं जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे तो मैंने एक किस्सा एक्सपीरियंस किया, एक इंसिडेंट, जिस पे मुझे लगा कि कितनी ज़रूरी है आर्ट एजुकेशन को ठीक से देने की। मेरे बच्चे कुछ काम करते थे, ड्राइंग करते थे, तो उस पे वो बहुत, आपको पहले बता दूं, जैसे रंगों में दो विभक्ति होती है, पहला कि एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और एक हार्मनी कलर्स, सामंजस्यता कलर्स। तो मेरे बच्चे बहुत ऐसे करते थे कि लाल के पास गुलाबी, हाँ, और उसके साथ पीला, ऑरेंज के साथ येलो, इस तरह की कॉम्बिनेशन में काम करते थे। तो अक्सर स्कूल से आते थे और बताते, माँ इसको ना टीचर ने बोला अच्छा नहीं है, आप ऐसा रंग मत करो, कुछ पता नहीं चलता, आप करो जैसे नीला, नीला के साथ लाल, हरा, लाल, नीला, इस तरह के कॉम्बिनेशन करो। तो मुझे समझ आया कि इस तरह से हम बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं और बच्चे की जो अपनी ताकत है, दूसरे तरह की ताकत है। मुझे बहुत हैरान हुई तब कि हम आर्टिस्ट लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर से हार्मनी कलर में आने में साल लगा देते हैं, सालों साल लगा देते हैं इस चीज़ को समझने की। और एक बच्चे के पास जो है, एग्जिस्ट करता है, उसको हम तोड़ रहे हैं। तो तब मैंने क्या किया, मेरे बच्चों को मैंने कहा कि आप एक काम करो स्कूल, क्योंकि बच्चों के लिए टीचर्स का कहना बहुत महत्व रखती है और वो उससे हटने में बहुत डरते हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप स्कूल में टीचर की कॉपी में टीचर जो बोलते हैं वैसे करो, मगर ये लो एक कॉपी और इस पे आप अपने रंग भरो। तो इस तरह से हम एक सॉल्यूशन निकाली मैं, मगर ये राइट सॉल्यूशन नहीं है, जबकि हम टीचर्स को चाहिए कि उनको सुने, उनकी चीज़ों को एनकरेज करें। अक्सर देखा जाता है बच्चों को चित्र बनाने बोलते हैं और फिर गाइड करना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ ये बनाओ, उस पे ऊपर ये डाल दो, उसके ऊपर ये सूरज बनाओ, फिर ये, हम अपने छवि उनके थ्रू बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे कई बार कई चीज़ें करते हैं, समझते हैं, मगर उसको शब्दों में नहीं बोल पाते, तो या करके नहीं कर पाते हैं एकदम ड्राइंग वैसा जैसा वो चाह रहे हैं, मगर वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने ये छोटा सा स्क्वायर बना के कि मैंने ये गाड़ी बनाई है या घर बनाया है, मगर उस टाइम पे, उस वक्त को हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको डिस्करेज करके कि ये क्या बनाया है और इस पर ये जोड़ दो वो जोड़ दो, इतना गाइडेंस नहीं चाहिए। हम बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो ये नहीं समझ, इवन चित्र में भी ये नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, ऐसा अंडर एस्टिमेट हमें नहीं करना चाहिए। हमें उन पे कई कुछ छोड़ देना चाहिए कि वो जो समझे, जिस तरह से आगे जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम लोग शुरू से ही बच्चों की समझ को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो मुझे इस जगह पे लगता है कि हम चित्रों के माध्यम से अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं और एक चित्रकार को अपने चित्रों में जो शब्दों में है उससे परे जाकर बोलना चाहिए। तो ऐसी एक कोशिश मैं यहाँ पे एक मैगज़ीन के थ्रू बोलना चाहती हूँ। हम लोग एक तारा से एक मैगज़ीन निकालते हैं जो जिसका नाम है प्लूटो, आप लोग शायद बाहर देखे होंगे, उधर स्टॉल में काफ़ी रखे थे, तो उसको
उसके चित्र से थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। एक तो हमारे इधर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे जो चाहते हैं वो प्रिंट करते हैं, जैसे प्राइवेट पब्लिशर्स जो हैं वो आजकल स्टोरी बुक्स लाना बहुत कम कर दिए हैं। बड़े बड़े पब्लिशर्स वो लोग ज़्यादातर कॉमिक्स लाते हैं या जो बिकता है वो लाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जिम्मेदारी को काफ़ी हद तक डिफरेंट एनजीओस एंड ट्रस्ट्स वगैरह संभाल रही है कि जो कि सिर्फ जो बच्चों को चाहिए, बच्चे जिससे खुश होते हैं, जिसपे काफ़ी मॉनिटरी इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, वही चीज़ प्रिंट करते जाओ, छापते जाओ, वो ना कर कर कुछ ट्रस्ट वगैरह इस पर गौर कर रही हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा ही एक ट्रस्ट एक तारा ने इस प्लूटो मैगज़ीन को लाएं। और मैं बहुत अभी सुशील जी यहाँ पे नहीं है, तो सुशील जी की ये चेष्टा रही है कि हमेशा की जो चीज़ें बच्चों को दिखानी चाहिए वो चीज़ें बनाएं, उसके पीछे हमेशा इकोनॉमिक पॉइंट ना जोड़ के रखें। तो उस चेष्टा से ये प्लूटो मैगज़ीन बाहर आई। इसके लिए काफ़ी अच्छे बड़े बड़े लेखक भी काम कर रहे हैं। तो ये मैगज़ीन का नाम ही पड़ा प्लूटो, इस तरह से कि प्लूटो जो प्लैनेट है और नहीं है इसमें हमेशा ही दंद रहती है। कभी हम लोग उसको प्लैनेट में इंक्लूड करते हैं, कभी हम छोड़ते हैं। ठीक जैसे हमारे देश का हालत है कि हम बच्चों के लिए कभी बहुत सीरियसली सोचने की कोशिश करते हैं मगर नहीं करते हैं। तो वो पता चलता है हमारी बजटिंग से, हमारे गवर्नमेंट की बजट कितना देती है बच्चों के कामों के लिए, उससे साफ पता चलता है। तो इसलिए हमने इस मैगजीन का नाम भी प्लूटो रखे थे। तो ये प्लूटो मैगजीन जहाँ पे आप मुझे लगता है उनमें पंक्तियाँ हैं, कुछ पढ़ सकते हैं चाहे तो। तो इस चित्र में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि रियलिस्टिक और थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं कि जो चित्र देख के बच्चे थोड़ा सोचे ये क्या है। तो इस तरह की इलस्ट्रेशंस मुझे लगता है बच्चों को अट्रैक्ट करती है। और ऐसा नहीं है कि हम जो ये सोच लेते हैं कि ये ही अट्रैक्ट करती है, ये नहीं अट्रैक्ट करती है, ऐसा नहीं है। बच्चे सब तरह के इलस्ट्रेशन चाहते हैं, इवन किताबों में भी। मुझे ये एक ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, कई लोग सोचते हैं कि नहीं अभी वो युग चला गया, फैंटेसी की वो परी कथाएँ और जातक का टेल्स और इस सब की नहीं ज़रूरत है, अब दूसरे तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है जैसे अभी हम सोशल इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हमारे समाज के उनको लेकर किताबें बनाते हैं, वैसे ही हमें उन किताबों की ही भी ज़रूरत है। हमें उनको चॉइस देना चाहिए, हमें उनको एक नैरो लेन में धकेलना नहीं चाहिए कि अभी हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसलिए हम भी प्रॉब्लम्स वाली किताबें बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि बच्चों की जो इमेजिनेटिव पावर, जो इमेजिनेशन पावर, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए उनको उनको हमें फ्रीडम देना चाहिए चूज़ करने की। हमें सब तरह की किताबें रखनी चाहिए उनके सामने। ये बच्चों की चॉइस होगी कि चाहे वो ये पढ़े चाहे वो कुछ और पढ़े। क्योंकि खाने के मामले में भी यदि हम लोग सिर्फ उनके पसंद के ही खाना बनाएं और जो वो खाना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं वो क्या खाना चाहते हैं आजकल के बच्चे, तो वही दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए और सभी चीज़ों की ज़रूरत को पूरी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरह की किताब। आजकल बहुत कोर चली है कि नहीं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व जो सोशल इश्यूज हैं उनको हैंडल करके उसको करके स्टोरीज दें, पुरानी चीज़ें पुरानी हो गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो ये एक और एक कविता है प्लूटो में जो छपी थी। तो मुझे इसमें ये बोलना है कि अक्सर पब्लिशर्स लोग डिमांड करते हैं कि आपके पास स्पेस है तो आप पूरे स्पेस को भर दो कलर से, बच्चे बहुत खुश होंगे। ऐसा नहीं है, हम काफ़ी वाइट स्पेस रखकर उस चीज़ों को कर सकते हैं।
और हमेशा ज़रूरत नहीं है कि एक ही स्टाइल में काम हो, तरह तरह के स्टाइल में काम हो, ताकि बच्चों के लिए चित्रों की विभिन्नता मिले उनको। और मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ कि हर चित्र को हाथ से ड्राइंग मतलब रेखा रेखा के आउटलाइन से ही ना बनाओ। जैसे इसमें मैंने कागज में काट कर बनाया है, कागज पेपर कोलाज किया है, ताकि उनको भी ये लगे कि कागज का काट के तोड़ के जोड़ के भी चीज़ें बनती है। कई बच्चों की होती हैं कि ड्राइंग स्किल थोड़ा कम होता है, तो वो डिमोरलाइज ना हो, वो भी इस कोशिश को करे, चित्र बनाने की कोशिश को जारी रखे। यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइपोग्राफी से ही इमेज बनाने की कोशिश की है। ये बहुत ही छोटे बच्चों के हैं, चींटी चलती है, तो ये घुमा घुमा के पढ़ना ही बच्चों को एक अलग आनंद देती है, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। इस चित्र में जैसे एक ट्रैवलर के बारे में बात की है, तो मैंने धीरे पीछे से दिखाया है कि दो खरगोश तो आगे, ये कविता है गिलहरी के बच्चे तीन, तो इस कविता में मैंने दिखाया कि गिलहरी दूर देश से आ रहे हैं और क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, मगर एक को दिखाया बैठ गया है, तो वो कभी कभी जो हमारे रह गया है वहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने चित्र से बातें कर सकते हो, चित्र ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे सोचे कि ये क्यों बैठा, किस लिए, और इसका अलग मीनिंग भी आ सकती है। जैसे हमारे देश में ऐसा ही रहा है कि लोग क्रॉस करते हुए कई सालों तक रुक गए हैं, तो इस चीज़ों को हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं और उसकी स्टोरी वो खुद बना सके, उस पर ऐसा एक जगह खाली छोड़नी चाहिए। ये एक कविता प्लूटो का ही है, ये सभी काम हम प्लूटो से ही मैं दिखा रही हूँ अभी। ये कविता एक्चुअली काफी गंभीर है, काफी आलोचना हुई थी कि इस कविता को हम दें या नहीं दें, मगर हमें ये लगता था कि नहीं, बच्चों को सब तरह की इश्यूज होने मिलने चाहिए और काफ़ी सीरियस इश्यूज भी दिया जाए और वो सोचे उसको। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ भी किया है लेआउट्स में और फॉर्म में। मैंने यहाँ पे केले को बहुत बड़ा दिखाया है। एक समय आता है जब शहर में, किसी भी शहर में, जैसे कोई भी फ्रूट, सिर्फ केला नहीं, कोई भी फ्रूट भर जाता है, पूरा शहर भर जाता है उस फल से, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे दिखाया है कि केला ही बड़ा है, शहर उसके सामने छोटा है, और फिर भी एक बच्चे को वो केला खरीदने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ये चीज़ एक बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करेगा क्यों। तो इस तरह की इलस्ट्रेशन का रोल सिर्फ टेक्स्ट चार लाइन देना ही नहीं है, उसको और आगे भावुक बन, हम उसको दूसरे डायमेंशन में ले जा सकते हैं, वो रोल एक चित्र का रहता है। तो मुझे यही अपने चित्रों से, मैं इसी तरह से बच्चों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी इलस्ट्रेटर्स भी इस सोच के साथ काम कर रहे हैं, और उसी के लिए हम लोग साथ में यहाँ पे एक इलस्ट्रेटर्स वर्कशॉप भी कर रहे हैं साथ ही, जहाँ पे आर्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आके इसी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये चीज़ का एक्सपीरियंस थ्रू अ वर्कशॉप ले रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि एक चित्र, अच्छा ये कविता है केले, गली गली में ठेले, केले ले लो केले, पैसे है ना थैले,
धेले पैसे है ना धेले कैसे ले लूं केले। तो प्लूटो में काफी इस तरह की छोटी छोटी चीजें। अब ये जैसे ये मुझे सुशील जी ने कहा कि आप एक चित्र बनाइए हम उस पर लिखेंगे, तो हमने यही कोशिश की कि एक मुझे लगा कि हम नेचर के साथ से बहुत दूर जा रहे हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स मोबाइल और इस सब में बिजी हैं, तो मुझे लगा कि हम प्रकृति के साथ कुछ करें, नेचर के साथ। उस टाइम पे उस दिनों में एक्चुअली बहुत गर्मियों के दिनों में अमलताश पूरा शहर अमलताश से भरा हुआ था। मेरा दिल्ली में एक गली में जहाँ मैं रहती हूँ पूरा अमलताश, और मैं जहाँ जब गुजरती हूँ तो पीली रोशनी की आनंद इतना सुंदर लगता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे शायद ये सब चीज़ें भूल ही गए हैं, भूल जा रहे हैं कमरों में बैठे बैठे और कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे कि प्रकृति की आनंद लेना। तो उस पर मैंने ये कवर बनाया कि ये पीलेपन पे। ये भी एक छोटी सी दो पंक्तियों की है। निकली सैस सपाटे पर, तितली बैठी कांटे पर। तो यहाँ पे भी मेरी यही चेष्टा रही कि ये जो हमने सेलेक्ट किया ये लाइन, हमेशा जीवन आपका स्मूथ और बहुत प्लेजेंट नहीं हो सकता है। कभी कभी आपको जिंदगी में जीवन में चैलेंजेस लेना पड़ता है, तो उस चीज़ों को हम इस तरह से दर्शाए हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ड्राइंग नहीं, कुछ एक क्राफ्ट कुछ से जोड़ने की, ताकि वो चीज़ें वो फिर से बना सके। बच्चे चाहे तो वो देख के बनाए या कुछ और बनाए, वो पॉसिबिलिटीज मुझे छोड़ना बहुत पसंद आता है। ये भी दो ही लाइन है। मुझे कई बार सुशील जी और मेरी यही बात होती थी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि बहुत भारी भरकम लिटरेचर से भर दिया जाए या टेक्स्ट से भर दिया जाए। दो दो लाइनें भी इतनी गंभीरता और बहुत कुछ कह जाती है। तो उस पर भी हम ये जो कि मैगजीन है, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे मैगजीन से अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें और दो दो लाइनों की देते हैं, ताकि चित्र बहुत देखें और दो लाइन पढ़ने में कोई कष्ट ना हो, मगर वो चीज़ उसके पास रह जाए। तो ये दो लाइनें हैं। धान लगाई है अब की खेत में हमने, अपनी जान लगाई है। तो यहाँ पे चित्र में मैं सिर्फ खेत, हरा भरा खेत दिखाए तो है, साथ में मैंने दिखाया है एक पिता अपने बच्चे को खिला रहे हैं। हमेशा माँ ही काम करती है सब कुछ, माँ ही खिलाती है, माँ ही खेतों में भी काम करती है। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, ताकि ये सब इमेजेस, यहीं पे हमारी इलस्ट्रेटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इमेजेस के थ्रू ये सोसाइटी में जो चेंजेस लाने हैं वो ला सकते हैं। इमेजेस देखेंगे तो वो भी देखेंगे कि हाँ ये काम तो कोई भी कर रहा है। तो ऐसे सिर्फ ये नहीं, इस मैगजीन में दूसरे पेजेस में ऐसे हैं कि एक किचन में पिता काम कर रहे हैं और माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से, जबकि वो टेक्स्ट डिपिक्ट नहीं करता ये, मगर हम इलस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है वो चीज़ों की लाने की। ये गुलजार जी की कुछ लाइनें हैं। एक बिजली की नोक लगी उन्हीं बादल को, उधर के तागा तागा बादल बरस गया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से प्रकृति के चीज़ों को भी सिर्फ पूरे पेज में देने का। तो यहाँ पे भी मैंने एक कवर में एक स्प्रिंग टाइम को डिपिक्ट करना था, तो मैंने इसमें कोई शब्द नहीं है कुछ नहीं है, तो मैंने फुल लिबर्टी ली। और मुझे लगा कि हमेशा हम स्प्रिंग को मतलब बहुत जाने माने फूलों से भर देते हैं या अलग से, तो मुझे लगा जहाँ बगीचा है बगीचे की वहीं पे ही एक छोटी सी क्रैक से
एक डैंडेलियन फ्लावर्स जो आती हैं उसका भी उतना ही स्प्रिंग होता है जितना एक जाने माने फूल का होता है। तो यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे ये इस तरह की लिबर्टी लेने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आशा रखती हूँ कि मैंने जो कहा कुछ समझ आया, कुछ एक्सचेंज हुआ। ओके, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस प्रेजेंटेशन एंड द रीजन इज दैट वी हैड सम वेरी स्टिमुलेटिंग प्रेजेंटेशंस यस्टरडे एंड टू मोर प्रेजेंटेशंस बाय प्रकाश जी एंड तापोशी जी, सो आई डोंट नो इफ आई हैव मच टू से रियली। द टॉपिक फोकसेस ऑन आइडल लिटरेचर। So I don't know if it's really possible to define ideal literature, because it's something which keeps changing. As the society keeps changing, our understanding, our definitions about things also transform, also evolve. And with that, our ideas about what makes ideal literature also transforms. So I think it's something which is very difficult to define in very clear, definite terms, but I'll make an attempt. Well, a part of my presentation is actually written, so I'll be reading that out. Please bear with me. I wasn't too sure if I'll be able to keep to my topic, so I'll just read some parts from it. What appears is that the term children's literature encompasses many ideas, concepts and entities, and we saw that yesterday actually. Different speakers focused on different dimensions of children's literature. Well, for instance, Madhavan ji brought our attention to the idea of childhood. How do we understand childhood, and that influences the ways in which we conceptualize children's literature. How do we represent them? How do children encounter reading in their homes and in schools? How do they really experience books? All these things influence the ways in which we approach children's literature. So when we talk about children's literature, we are not talking just about children and literature, but we are also talking about readers and texts, authors and illustrators, publishers and the market, production of books, different languages and their politics. It's something we keep discussing all the time. Oral literature, something which is a very integral part of our society. Multiple socio-cultural context. All of us come from different kinds of backgrounds. We come from different kinds of cultures. Marginalization. There are certain sections of the society that are on the peripheries, on the margins. They do not get a chance to participate in the mainstream social life. So that is also a part of children's literature. That's something which needs to be addressed there. And of course, the reading process. How do we look at reading itself? When we put a book in a child's hands, how does that child read? How does that child conceptualize reading? Is it a meaning-making process for the child? Or is it simply about sounding out the words in the book? We can add more to the list actually. So these are the different aspects, different dimensions of children's literature. So until and unless we look at all of them, we really cannot actually arrive at what would perhaps make an ideal literature.
So when we are grappling with the question of ideal children's literature, we are grappling with all these issues. We need to address them somewhere. We need to acknowledge them that yes, they are there. They are a part of our social reality. And so on the whole, we have an idea which is very, very complex, and we do not have very simple solutions to this whole question, this whole idea of children's literature. What makes it even more complex is the fact that each of these aspects varies from society to society, because they're deeply embedded in the socio-cultural, economic and political context of a society. So what perhaps is relevant for Goa, I mean that's a big region actually, is not necessarily relevant for Delhi. Again, a big region. The kind of issues we address are very different. They are influenced by the local politics. They are influenced by the publishers, what's available in the market, what teachers are doing in the school, how teachers look at children's literature, and how do they think it should be used in the classroom, or how it should be introduced to children. So all these things actually vary from one region to another. So our struggle with finding a market for children's books in Hindi or Konkani cannot be resolved with one kind of solution. We need to actually look at this idea of children's literature from different angles. It cannot be addressed in just one way. We cannot wish away the fact that the aspiration of the common person is to educate their child in a language which will fetch them a job when they enter their adulthood. So if we are trying to promote Hindi, or if we are trying to promote Konkani, well, these languages are also struggling with the presence of other languages which perhaps offer better future, at least an illusion of a better future to parents and to children. This has implications for what sells in the market, what parents buy for their children. We also need to understand the conflict of histories of languages and how the so-called mainstream languages became the languages of power and dominance. So all of us kind of understand this in our own ways, in the ways in which we use languages in our homes, the kind of resistance, if any, we face in schools when we go to school. So if a child speaks a language which is not a mainstream language and is compelled to speak and read a language which is completely unfamiliar, then it has certain implications for what the child feels about her presence in the school and how the child connects with the book. Does that book offer any spaces to the child to accommodate, to connect her own experiences, her own world with that book, with that literature? We are also a society that has made a shift from an oral culture to a print culture. So telling stories is something that comes more easily to us than picking up a book and reading aloud to a child. Our literature is also about music, about folk songs, about mythology. We have folk tales and folk songs to explain most things in life, celebrate marriages, childbirth, mark puberty, even the ceremony of piercing ears of an infant. As a child, my first stories were stories associated with the festivals we celebrated as a Hindu family. The Karwa Chauth story was perhaps one of the first encounters with the social reality that men are considered to be superior to women. So what I'm trying to say here is that children start understanding the world around them through the folk literature. The literature that is used through the folk songs, through the folk stories that are shared by parents, grandparents, by neighbors in the family or in the neighborhood. I don't remember questioning it, this whole superiority of men over women. I don't remember questioning it as a child. But it was one of the ways of understanding the world I was growing up in. So children find a window through literature
through which they can see the world, they can understand the world. They may accept it, they may question it, it depends on several other factors, but it is their window into the world. I remember my grandfather as a master storyteller. We pestered him with the demands of being told a story through the hot afternoons of our summer holidays. He countered that with, "Agar maine tumhe din mein kahani sunai, tumhare mama ghar ka rasta bhool jayenge." So there's actually another story which explains that why I can't tell you a story in the afternoon. We argued with him and often managed to extract another story from him. We didn't mind being told the same story again and again. So we come in contact with literature much before we come to school, much before we have a book in our hands, because we have a rich tradition of oral literature, something the schools have not been able to actually tap into. It's something which is completely neglected. There is so much focus on the book. And I'm not undermining the value of a book, I'm not saying that. But much before the book, we have a lot of things happening in the home which we are not able to bring into the classroom. So the appreciation of all these dimensions will help us to understand the nature and status of children's literature in our society. We need to dwell on all these issues. We just need to reflect a little bit on them and understand that children's literature is not a monolith. There are many, many dimensions which are associated with it. So if we try to answer what is ideal children's literature, it's a question which has to be collectively considered and answered by the society in which that children's literature is being created. Because literature is something, it's something which is social. It is something which is developed and created collectively. It is not one person, because it's the society that is reflected in that literature. It's a question which draws its answer from several ideas. For instance, as a society, what do we think about children? What do we think about our role as a parent, a teacher, or a caregiver? Equally important are our thoughts about literature, its role, what place does it have in our lives. If we believe that children are fragile beings who need to be protected from every kind of sorrow or conflict that life brings and presented with a world that is full of goodness, then that's the kind of literature we are likely to produce as a society. Madhavanji, Rajesh Choshiji yesterday, they talked about it, and Taposhiji also referred to it, that we need to find ways to represent life, society as it is in literature. If we try to sanitize it, keep it clean and make it very sound, very beautiful and good for children, then perhaps we are presenting a very fake picture of the world to children, and we are not letting them connect with that, because the kind of reality they are living in is not completely good and beautiful. It also has its ugly aspects, and children experience them. And when they come across these beautiful pictures and beautiful images and beautiful ideas in a book, they start believing there's something wrong with my life, because I can't connect with what's happening in the book. So literature largely reflects the sensibilities and sensitivities of a society. The more sensitive we are towards different issues, towards different groups of people, towards languages, what kind of value system we have, all that is reflected in our books, in our literature, and we cannot fake that. We cannot create that thing by thinking about it in academic terms. It is something which needs to be, the society has to actually go through an organic process of, you know, of evolution, where we come, we arrive at a certain understanding about children's literature. We'll be able to produce only the kind of literature we as members of the society believe in, actually. We cannot produce something which we are not.
it is only going to reflect our understanding, our sensibilities. Just a couple of thoughts on why we need literature. Well, I believe literature is both an expression and a search. As humans, we have this need to express what we experience, and we also have this deep urge to understand ourselves and the world around us. That seems to be the very basic idea behind why we actually started creating literature. Why did we feel the need to create literature? So perhaps when man created music for the first time or some song, then what led to it? What was the creative urge that led humans to do that? And we understand ourselves by understanding the world around us, by looking at others, because then we try to see how do I relate to the other? Am I reflected in any ways in the other person or in another situation? So to know oneself through the other, that is one, and to look into other lives and find how they are similar to or different from our own existence. And when I say knowing the world, that we try to know the world through literature, I do not mean merely information, but what I mean is that how the world operates, how do the different relationships operate, how do people live, how do they face difficulties, and how do they find solutions, what brings joy to them. So all the human emotions, all the human problems, we are searching for them when we are reading literature. We are trying to find ourselves in that. My teacher used to give this example. She used to say that the moment we step out of a movie theater, we start talking about what we liked about the movie, the character we liked, how we disliked the character, what went wrong, what could have been better. So we instantly have a lot of responses because we are instantly trying to identify ourselves somewhere in those characters, in the situations that play out in the movie. So And that is what happens when we read literature or when we listen to literature. We are trying to find ourselves there. Now, all this is equally relevant for children. It's not that adults do it in a different way and children do it, approach literature in a different way. They have the same needs, they have the same urge, and perhaps way more than us, because the world is still an unfamiliar place for them. They are still developing, they are growing. As adults, we know the world, we know a lot of aspects about the world, but children are trying to figure out things. They're trying to understand what's happening in this world and why does it happen. So it's all the more important for children to be exposed to literature, oral or print. It could be actually both. And children are born with the need to make sense of the world and to bring meaning to it. That's again something very human, that we want to make sense of what we are seeing, what we are experiencing. That's something which also drives children. So for children, literature is one of the most powerful means of knowing the world and also experiencing it. Another significant reason why we need literature is leisure. This is something that we completely ignore in our homes and schools. We want children to read because it has been drilled into our heads that a reading habit is desirable. Habits are fine as long as we limit them to brushing teeth and other mundane routines. Reading cannot be a habit. To me, it's almost offensive to use the word habit with reading. Habits are mechanical and spiritless. One should read for the love of reading. That's what we need. Insistence on a reading habit doesn't allow children to experience the joys of reading. There's something that I want to emphasize here. The moment when the text
or when the reader meets the text. The text is actually incomplete in itself. When a child comes across, or when an adult comes across a piece of literature, across a text, that text is incomplete because the author has, I mean, that is what a piece of ideal literature should actually do. It should leave spaces for the reader to bring their experiences and their ideas into the text. So when the reader and the text, when they meet, when during the reading process, a new meaning is created. And that is when actually we are able to connect with literature, and perhaps that is the kind of literature which can be called ideal literature, because it has space for the reader as well. It's not an arrogant piece of literature which does not invite the reader to add meaning to it. There is construction of meaning at the time of reading. Well, I have wanted to read aloud a book that I think makes a piece of ideal literature, but we do not seem to have enough time for it. So well, to conclude it here, I would say that ideal literature is something which embraces life completely. It represents life, it does not fake it, but it allows the reader to experience it as they experience it in person. Well, this is the book I had actually wanted to read aloud to you. It's a book by author-illustrator Ezra Jack Keats. It's one of my favorites. I really enjoy the book. I really like the book. You will not be able to see the text very clearly, so I'll read that aloud to you. It was hot. After supper, Roberto came to his window to talk with Amy. "Look what I made in school today, a paper mouse." "Does it do anything?" Amy asked. Roberto thought for a while. "I don't know," he said. Then he put the mouse on the windowsill. As it grew darker, the city got quieter. "Bedtime, Roberto," called his mother. "Bedtime for you too," other mothers called. "Good night, Amy." "Good night, Roberto." "Good night," echoed the parrot. Soon they were all in bed. Someone began to dream. Can you guess who's dreaming here? Can you make out from the picture? Mouse. Okay. Soon everybody was dreaming except one person. So who's not dreaming? Can you make that out? Roberto. Yeah. Somehow, Roberto just couldn't fall asleep. It got later and later. Finally, he got up and went to the window. What he saw down in the street made him gasp. There was Archie's cat. A big dog had chased him into a box. The dog snarled. "He's trapped," thought Roberto. "What should I do?" Then it happened. His pajama sleeve brushed the paper mouse off the windowsill. It sailed away from him. Down it fell, turning this way and that, casting a big shadow on the wall. The shadow grew bigger and bigger.
and bigger. The dog howled and ran away. The cat dashed across the street and jumped through Archie's open window. Wow, wait till I tell Archie what happened, thought Roberto. That was some mouse. He yawned and went back to bed. Morning came and everybody was getting up, except one person. Roberto was fast asleep, dreaming. I used this book in a workshop and I asked the participants, what do you think about the book? So the participants said that, we'll have to teach children about shadows first. How shadows grow longer and bigger after sunset. They completely missed what the story presented. And that's what we do when we have ideal literature in our hands. We fail to understand what it can offer to us and to our children. Thank you. Thank you so much.